हेलो सर, मोनिशा का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। सर, आज की वीडियो में आपके लिए आया हूं दिवाली फायरवर्क्स डैश वर्थ रुपीज 2000। तो ये दिवाली कुछ पटाखे जो न्यू है और यूनिक है और आप लोग काफ़ी डिमांड आ रही थी कि 2000 रुपीज के क्रैकर्स लाओ हम लोग को खरीदने, तो फाइनली आ गया। और ये वाले क्रैकर्स जो मैं लेके आया था ये पुणे मार्केट से, जैसा आपको पता है। बट जब आप ये वीडियो देख रहे तब मैं ऑलरेडी अपने होम टाउन में होऊंगा। फाइनली अपन होम टाउन आ गए, बट मैं पुणे में हूँ, मैं दो दिन बाद निकल रहा हूँ और मेरे को फोन इसलिए। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आज की वीडियो को हम लोग लाइक गेम रखते हैं ओनली 1000 लाइक्स का, ज़्यादा लाइक गेम दे नहीं रहा हूँ। अगर आप लोग 1K कर दिए उसके बाद आगे आप लाइक्स कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वीडियो को अपन शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, ये है सारे पटाखे जो कि है अंडर 2000 रुपीज। तो अगर आपका दिवाली में इस बार का बजट 2000 रुपये, तो आप इतने सारे पटाखे कंसिडर कर सकते हो। बट मैं आपको पहले बता दूं, ये है पुणे के क्रैकर्स। तो पुणे में और मुंबई में थोड़ा सा क्रैकर्स एक्सपेंसिव है, आपको तो पता है कि बड़े शहर में क्रैकर्स एक्सपेंसिव होते ही हैं, ठीक है। तो चलो चालू करते जल्दी से वीडियो को, आप लोग जल्दी से लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। सर देखो, इतने सारे कुछ क्रैकर्स हैं और इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं स्काई शॉर्ट्स, अनार। स्काई शॉर्ट्स की काफ़ी सारी मैंने रेंज इंक्लूड किए हैं, तभी आपको थोड़े से क्रैकर्स कम दिख रहे होंगे 2000 रुपये के हिसाब से। बट अगर आप देखे थे तो काफ़ी भारी है यार ये, तो स्काई शॉट्स की वजह से थोड़ा सा रेट इनका बढ़ गया है, क्योंकि स्काई शॉट काफ़ी महंगे काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। चलो चालू करते हम लोग पहले फर्स्ट स्काई शॉट्स से। ये 3 इंच का स्काई शॉट है, देखो इतना बड़ा, ठीक है। और ये इनकी टेस्टिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ। इसके बाद कल आने वाली एक और वीडियो जिसमें मैं इन सबको टेस्ट करूंगा, ठीक है, वो आप मिस मत करना। ये इस पूरे डब्बे को मैं लेके जाऊंगा टेस्ट करने के लिए। तो यार ये वाला फर्स्ट स्काई शॉट ये अराउंड 300-350 से 400 तक आपको मिलेगा। ये मैं पुणे का रेट बता रहा हूँ, बट अगर ये आप कोई छोटी सिटी से लोगे, जैसे मेरी मैं सतना में रहता हूँ, आपको तो पता ही है, तो वहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं, अराउंड 200-250 तक मिल जाएंगे। बट इस साल काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं क्रैकर्स, तो यार कुछ बता नहीं सकते। तो अगर हम लोग इसकी MRP देखी जाए तो देखो 1240 रुपये दी हुई है, ठीक है। इसको मैं अगर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार, आप अंदर से भी इसको देख ही लो। वैसे आज इसको टेस्ट करने ही जा रहा हूँ, तो आपको इससे की वीडियो कल आपको मिल जाए, ठीक है। और ये देखो, ये कोई इस टाइप का स्काई शॉट है यार, 3 इंच का। ओह माय गॉड, काफ़ी भारी स्काई शॉट है, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट स्काई शॉट जो आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट 2000 रुपये। तो मैं इसको रखता हूँ साइड पे। देन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये कुछ है फुलझड़ी टाइप है, रोशनी टाइप है, ये देखो कुछ जिस टाइप में 200-250 रुपये तक ये मेरे को मिला था। तो इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपका बजट है ठीक ठाक, तो आप इसको कंसिडर कर लेना। अगर हम लोग इसकी MRP देखें तो दी है 648 रुपीस ओनली, ठीक है। तो इसको भी आप ले लेना अगर आपका बजट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ नए आइटम में। ये अनार है, अनार प्लस बम है पता नहीं, ये भी आपको 150-200 तक मिल जाएगा। तो ये भी काफ़ी सही आइटम है, इसको हम लोग टेस्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये बड़े वाले अनार, इसको मैंने ऑलरेडी टेस्टिंग की हुई है इस क्रैकर की, इसके मैंने 2 पीसेस जलाए हुए हैं, ठीक है, काफ़ी सही है। इसका प्राइस अराउंड 300-350-400 तक आपको मिलेगा, बट कुछ सिटीज़ में 500 तक भी जा सकते हैं, जैसे मुंबई जैसे शहर में काफ़ी महंगे और रिटेल प्राइस तो इस बार आसमान छू रहे हैं। तो बजट इस बार थोड़ा सा बढ़ा ही लो, मैं आपको यही रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ये देखो ये है, और आप लोग टेंशन मत लो, मैं आप लोग के लिए कुछ गिव अवे वगैरह भी लाऊंगा। थोड़ा सा दिक्कत है गिव अवे का सीन, क्योंकि अभी मैं हूँ पुणे में, देन मेरे को शिफ्ट होना है, अभी सतना शिफ्ट नहीं होना, मतलब घर जा रहा हूँ बहुत जल्द, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 3 साउंड रॉकेट को। ये अराउंड आएगा आपको 150-200 तक में मिल जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ जगह में 150 के 2 मिल जाते हैं अगर आप होलसेल में उठाओगे। तो अगर मैं इसको ओपन करके देखूँ कुछ जिस टाइप में, इसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे कल की वीडियो में। ये हम लोग रखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कुछ सूती बम में। इसकी मैंने आपको टेस्टिंग वीडियो ऑलरेडी दिखा चुकी है अपने लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद। तो इसको आप ले लेना अगर आपका बजट है 50-100 रुपये का। इससे आप बड़े साइज़ का भी ले सकते हैं, थोड़ा छोटी आवाज़ में मिलते हैं, बिकॉज मैंने इसको बहुत पहले ख़रीदा है दिवाली से, तो मेरे को बड़े साइज़ के मिले नहीं, तो ये भी आप ले सकते हो। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कुछ चक्री के आइटम में। जी काफ़ी सही ग्राउंड चक्कर है यार, मैंने इसके 2 पीसेस टेस्ट कर लिया है। ये देखो, अगर आपको टेस्टिंग वीडियोस की देखनी है, लिंक मिल जाएगा आपको मेरे चैनल पे डिस्क्रिप्शन में, अगर होगा तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे को मिला था अराउंड 200-250 तक में मिला था, काफ़ी सही। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ज़रूर ये वाला डीलक्स वाला लेना, एलिफेंट कंपनी के, ठीक है, काफ़ी सही ग्राउंड चक्कर है, काफ़ी देर तक जलती है। ये हम लोग रखते हैं साइड पे। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं कुछ छोटी वाली लड़ी में। ये आपको 10-10 या 5-5 रुपये की मिल जाएगी, कहीं 15 की भी मिलती है, इसकी मैंने टेस्टिंग वीडियो बनाई हुई है।
देन नेक्स्ट बढ़ते कुछ कलर कोटी में, ये आया था अराउंड 200-250 रुपये तक में आ जाएगा आपको अगर आप बड़े शहर से लेते हो। छोटे शहर में थोड़ा सस्ता मिल जाता है, बट कुछ कह नहीं सकते यार, आजकल रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ऐसा सीन है। ये देखो कुछ इस टाइप में इसकी मैंने टेस्टिंग वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पर देख लेना। ये रखते हैं हम लोग साइड पर। देन लास्ट आते हैं यार ये कुछ स्काई शॉर्ट्स में, इसकी मैंने दो वैरायटी लाई हुई है। ये देखो ये कुछ इस टाइप में इसकी मैंने टेस्टिंग वीडियो बनाई हुई है, काफ़ी सही जला था ऊपर जाके, शायद रेड कलर में आया था। इसको हम लोग टेस्ट करेंगे कल की वीडियो में। अगर मैं इसको ओपन क्या ओपन कर ही देता हूँ, आप लोगों को दिखाई देता हूँ कैसा है। एक बार ये कुछ इस टाइप में आता है, काफ़ी सही। और ये इसका अगर आपको प्राइस जानना है तो ये अराउंड आपको 180-220 तक मिल जाएगा ये। और अगर आपको अच्छा इफेक्ट चाहिए तो आप ज़रूर ये वाला पिक करना, काफ़ी सही स्काई शॉट है ये। ये देखो ये इसका अगर इंच देखा जाए तो 2.5 इंच का शेल है ये, ठीक है। अर्थ लिखा हुआ है, काफ़ी सुंदर स्काई शॉट है ये वाला। मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया प्लूटो वाला, तो इसको आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। और ये वाला हम लोग टेस्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं इस स्काई शॉट को लेकर, ठीक है। अगर इसके हम लोग MRP देखी जाए तो दिए 700 रुपीज़, यहाँ पर आप चेकआउट कर लेना। तो ये था स्काई शॉट लास्ट, डब्बा हो गया खाली। तो यार देखो ये सारे आपको क्रैकर्स आएंगे अराउंड 2000 रुपये के। तो देखो इतने सारे क्रैकर्स हैं, बट उतने मेरे को ये क्वान्टिटी नहीं लग रही, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा स्काई शॉट्स ऐड कर दिए, जैसे 1, 2, 3 तो स्काई शॉट बड़े वाले मैंने इंक्लूड कर दिए। तभी वही अगर हम लोग इंडिविजुअल देखें तो 1000 रुपये तक में जाएगा, ये 200-200 और ये 400, तो 800 रुपये तो यही हो गए, ठीक है। तो स्काई शॉट्स अगर आप स्काई शॉट के फैन हो तो आप ये वाला स्टैश आराम से आँख बंद करके लेना। बट अगर आपको स्काई शॉट्स वगैरह नहीं पसंद तो आप इसमें मल्टी शॉट्स डाल सकते हो, जैसे कि मेरे यहीं पर 50 शॉट्स रखा है, ऐसा कुछ 50 शॉट्स डाल देना। बट ये वाला क्रैकलिंग वाला है, अगर आपको ऊपर जाके शेल वाला चाहिए तो आपको अराउंड 600 तक में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप बड़े स्काई शॉट्स के शौकीन हो देन आप ये वाला कंसिडर कर सकते हो। इसको मैंने इसलिए साइड पे रखा क्योंकि ये इंडिविजुअली काफ़ी महंगा आ जाता है, 700 के दो आते हैं, जिसमें से एक मैंने टेस्ट कर लिया, आप उसको लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, काफ़ी बड़ा शेल है, ठीक है। इसके हम लोग अगर MRP आपको एक बार दिखा दूँ, काफ़ी लोग MRP पूछ रहे थे, 1900 रुपये दिए। और ये सोनी के टक्कर का स्काई शॉट है, बट सोनी के स्काई शॉट तो अलग ही होते हैं, ये भी ठीक है बट उससे थोड़ा सा सस्ता आ जाता है। सोनी का आपको आएगा 850-900 तक में दो, और ये मेरे को आया 700 में दो, ठीक है, तो इतना फर्क होता है, बाकी तो डिस्प्ले सेम ही है। तो यार देखो ये सारे हो गए स्काई शॉट, तो मैं इसको तो साइड पर रखता हूँ। ये सारे हो गए अपना स्टैश जो कि 2000 रुपये का है। तो आप लोग बताओ आपको ये वाला स्टैश कैसा लगा, और अगर आपको इसमें कुछ ऐड करना है प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और नेक्स्ट स्टैश कितने का चाहिए वो भी मेरे को बताओ, क्योंकि मैं सतना जा रहा हूँ, सतना में भी काफ़ी क्रैकर शॉपिंग करनी है। दिवाली ऑलमोस्ट आ गई यार, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और इन सबको मैं टेस्ट करने वाला हूँ कल की वीडियो में, तो कल की वीडियो ज़रूर मिस मत करना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपको गिव अवे जानना है गिव अवे क्या होगा, तो शायद मैं एक स्काई शॉट गिव अवे कर सकता हूँ कुछ इस टाइप में। तो गिव अवे का मैं जो भी अमाउंट होगा वो भेज दूंगा। तो या स्काई शॉट अगर आप पुणे से हो या मेरे सतना सिटी से हो तब आपको मिल सकता है, ठीक है। तो गिव अवे का रूल्स यार आपको सिंपल लगता है, अभी फिलहाल मैं गिव अवे अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ही पक्का नहीं कि मैं गिव अवे कर भी पाऊँगा कि नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइट शेड्यूल चल रहा है, तो वही सीन है। दोस्तों आई होप आप लोगों को आज की ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, चलो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को तो सब्सक्राइब। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा इग्नोर करना, मैं उस टाइम क्या था च्युइंगम खा रहा था और मेरा कैब वाला नीचे ही वेट कर रहा था, तो मेरे को इंट्रो शूट करनी थी, तभी मैं इंट्रो शूट किया और आप लोग के लिए आ गया वीडियो बनाने। तो आप लोग बताना आप लोगों को ये वाला स्टैश कैसा लगा, 2000 रुपीज़ का स्टैश था, आई नो उतना ज़्यादा स्टैश नहीं था ये, बट मैं कोशिश की आप लोग को दिखाने का, क्योंकि काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी 2000 का स्टैश लाओ, तो मैं आप लोग के लिए बना दिया। तो नेक्स्ट स्टैश आपको कितने का चाहिए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ। और काफ़ी लोग बोल रहे थे एक्सपेरिमेंट्स करो, तो यार द थिंग इज़ मैं अभी हूँ पुणे में, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, बट मैं सतना जा रहा हूँ वापस बहुत जल्द, तो शायद ये वीडियो जब तक पोस्ट हो रही होगी मैं सतना में हूँगा, जो भी हो मैं इंस्टाग्राम पर आपको सब बता देता हूँ, सारे डेली अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, तो जाओ जल्दी से फॉलो करो, ID है मेरी Monish8006, जाके फॉलो करो, वहाँ सारे अपडेट्स मैं देता हूँ। और काफ़ी लोग मेरे से चैटिंग वगैरह भी करते हैं, टाइम मिलता है तो मैं आप सभी को रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, और काफ़ी लोग से तो आजकल मैं फ़ोन कॉल्स भी कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, वीडियो कॉल चलते रहते 2-3 सब्सक्राइबर से होगा, तो मैं उनका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तभी थैंक वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू।
हूँ।